यहाँ क्यों खड़े हैं? अंदर बहुत दम घुट रहा था मेरा, इसलिए बाहर आ गया। आपका अफीन से झगड़ा हुआ है ना, शायद इसलिए आप अपसेट हैं। बस इतना ही पता है तुम्हें? हाँ, मुझे तो बस इतना ही पता है। क्या ज्यादा झगड़ा हुआ है? जब इंसान किसी से टूटकर मोहब्बत करता है ना, तो उसे अपने दिल के सबसे ऊंचे मुकाम पे ले जाकर बिठा देता है। रानिया, मैं ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हूं, मगर ये सच है कि मैंने आफरीन को अपने इस दिल के सबसे ऊंचे मुकाम पर जगह दी। पर मुझे क्या पता था कि वो इस लायक ही नहीं है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इंसान जब अपने रिश्ते की बुनियाद झूठ पर रखता है, वो सबसे ज्यादा कमजोर रिश्ता होता है। तुम सही कहती थी रानिया, आफरीन की तालीम वो नहीं है जो उसने मुझे बताई थी। और तालीम का क्या है, ये बात शायद मैं बर्दाश्त कर जाता, उसे माफ कर देता, लेकिन जो इल्जामात उसने मीनू पर लगाए, उसके लिए कैसे माफ कर सकता हूं उसे? उसके लिए मैं अपने भाइयों से लड़ा, मेरे वो भाई जो मुझे मान देते थे, मैं उनसे लड़ पड़ा। लेकिन गलती मेरी भी है, क्यों मैंने आफरीन की बातों पर यकीन किया और अपने ही खून पर भरोसा नहीं किया? वकार, खुद को संभालें आप। नहीं संभलना ना दिल, क्या करूं, नहीं समझ रहा दिल मेरा। जब जब मैं अपने भाइयों के बारे में सोचता हूं जिन्हें मैं खो चुका हूं, मेरा दिल कटता है। अब तुम ही बताओ रानिया, मैं कैसे छुटकारा पाऊंगा अब इस पछतावे से, कैसे?